आप लोग को बताया गया सिम्टोमेटिक केसेस में आइसोलेशन की जरूरत करनी होती है और कई सारे सस्पेक्ट को क्वारंटाइन करने की जरूरत होती है। अब तक हम लोग अपने सरकारी व्यवस्था ही दोनों कामों की करते थे, अब हम लोग जल्दी ही ये व्यवस्था करेंगे कि आइसोलेशन और क्वारंटाइन भी प्राइवेट सेक्टर में सुविधा उपलब्ध हो जाए, ताकि कोई व्यक्ति यदि आइसोलेट होने के लिए प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है तो वो सुविधा भी उसको उपलब्ध हो सके, ऐसी भी हम लोग तैयारी करेंगे। बट ओवरऑल देखा जाए तो इंदौर अब पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर स्थिति में है। आप बेहतर जानेंगे मुझसे इस बात को, चूंकि मैं दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि कहाँ क्या स्थिति है इस तरह के मामलों में कि क्या होता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अप्रैल के महीने की कुछ डेथ हमको अब रिकॉन्सिलेशन से करनी पड़ी, जो हमारा रिकॉन्सिलेशन दो चार दिन पहले ही समाप्त हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये भी मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब अप्रैल में एपिडेमिक्स की शुरुआत इंदौर में हो रही थी तो लगभग केओस जैसी स्थिति थी, अस्पतालों को लेके, डॉक्टर्स को लेके, हमारी व्यवस्थाओं को लेके, किसी को भी इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि हम पेशेंट को कहाँ एडमिट करें, एडमिट करें तो क्या करें, पेशेंट खुद बेचारा आए तो क्या करें। तो अप्रैल हमारे लिए बहुत क्योटिक मंथ था, उस समय प्रायोरिटी डेटा से ज़्यादा इस बात की थी कि हम कम से कम व्यवस्थाएं तो कर सकें, बिस्तरों की व्यवस्था कर सकें, अस्पतालों में अपनी टेस्टिंग की व्यवस्था कर सकें। हमारी प्रायोरिटी उस समय डेटा के मुकाबले में व्यवस्था पे हमारा ध्यान ज़्यादा था। आज की तारीख में वो हमारे लिए चैलेंज नहीं है, हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी हो या अस्पतालों में बिस्तर की क्षमता हो या हमारा खुद का मैनेजमेंट का सिस्टम हो, वो अपने आप में परफेक्ट है। देखिए, बात आपको समझनी होगी कि अल्टीमेटली जो भी टेस्ट होता है, चाहे प्राइवेट लैब में हो चाहे सरकारी लैब में हो, वो ICMR के गाइडलाइंस को पालन करने के लिए उसका रिजल्ट ICMR की वेबसाइट पे डालना होता है। हर टेस्ट, चाहे आप वो अपने खर्चे पे कराएं चाहे हमारे खर्चे पे कराएं, अगर वो पॉजिटिव है तो ICMR की वेबसाइट पे पॉजिटिव दिखेगा, और एक बार जो सिस्टम में पॉजिटिव दिख गया ICMR की वेबसाइट पे, उसको अंत तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। या तो वो डिस्चार्ज होगा या ईश्वर ना करे कोई दुर्घटना होगी, लेकिन दोनों में से एक ना एक चीज जरूर होगी। तो जो डेटा एक बार पॉजिटिव आ गया, अल्टीमेटली हम उसको छिपा नहीं सकते, अल्टीमेटली हमको उसकी आउटकम बतानी ही होगी कि वो अस्पताल में है, डिस्चार्ज हो गया है या कोई दुर्घटना हुई है। तो प्रश्न यह है कि जब सिस्टम बन जाते हैं, डेटा के प्रोटोकॉल ठीक हो जाते हैं, तब कोई चीज छिपती नहीं। आप मुझसे किसी भी दिन पूछेंगे तो मैं आपको ऑनलाइन बता सकता हूं कि आज मेरे इतने पॉजिटिव इंदौर में या इस शहर में हुए हैं। तो वो व्यवस्थित स्थिति आप नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि अप्रैल में जो दुर्भाग्यजनक स्थिति इंदौर में थी, अप्रैल की शुरुआत में जब हमारे सिस्टम तैयार नहीं थे, शहर के लोगों में भी बड़ी भय का वातावरण था, वो स्थिति अब आगे नहीं होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।